दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। प्रवचन की समाप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास कई लोग आते थे और वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से शांति, सत्य और मोक्ष के बात लोगों को समझा रहे हैं, किंतु अब तक कितने लोगों को मोक्ष मिला है? बुद्ध ने कहा, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। किंतु आने से पहले एक बार एक काम करना, पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछ कर आना कि कौन कौन शांति चाहता है और कौन कौन सत्य एवं मोक्ष। अगले दिन उस ग्रामीण ने घंटों गांव का चक्कर लगाया, किंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। कोई धन चाहता था तो कोई यश, किसी को संतान चाहिए थी तो किसी को दीर्घायु। उस ग्रामीण ने बुद्ध के पास आकर बोला, यह विचित्र गांव है भगवान, कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ और चाहता है, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ नहीं है, हम में से प्रायः सभी सुख चाहते हैं, शांति नहीं। सुख प्राप्ति के लिए वे शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए वे सुख और शांति का मार्ग नहीं पा सकते। इस कहानी का शीर्ष यह है कि व्यक्ति सुख की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लिप्सा को बढ़ाती है, और लिप्सा कभी शांति नहीं आने देती। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में निहित होता है, तथा शांति की सही मानियों में सुख का वाहक है, क्योंकि सुख शरीर से बढ़कर आत्मा का विषय है।